हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा। आप सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर, चैप्टर नंबर 14 का पार्ट नंबर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? पार्ट नंबर हम सेकंड पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि लक्ष्मी पूजा का दिन बंगाल में दूसरी परम्परा है। वहाँ इस तिथि को काली की पूजा होती है। लक्ष्मी पूजा वहाँ आश्वन मास की पूर्णिमा के दिन होती है। निश्चय ही दीपावली के दीर्घ इतिहास में ऐसे अवसर आए होंगे जब शक्तिशाली समझे जाने वाले लोगों को यह उत्सव पसंद नहीं आया होगा। ऐसे अवसरों पर इस उत्सव को बंद करा देने की आज्ञा भी निकाली गई होगी। शक्तिशाली राजाओं की कुचित भ्रंग कूटियों का शिकार कभी ना कभी इस उत्सव को भी होना पड़ा होगा। ऐसा हुआ नहीं। मनुष्य की सम्मिलित सामाजिक मंगल इच्छा को दबाना क्या संभव है? दीपावली का उत्सव हर साल यह संदेश दुहरा जाता है। राजे बदल जाएंगे, राज मुकुट नष्ट हो जाएंगे, बची रहेगी मनुष्य की सामूहिक मंगल इच्छा। आज से हजारों वर्ष पहले मनुष्य ने निश्चय किया कि वह दरिद्रता की आवश्यकता में नहीं रहेगा, वह सामाजिक रूप में समृद्ध रहेगा। एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, एक जाति भी नहीं, बल्कि समूचा मानव समाज समृद्धि चाहता है। आ दरिद्र चाहता है, आ मंगल का अंत चाहता है, उल्लास और उमंग चाहता है। ये जो नाम दिए गए हैं वो कौन चाहता है? वो मनुष्य चाहता है। दीपावली का उत्सव उसी सामाजिक मंगलेच्छा का दृश्यमान मूर्ति रूप है। समूचा समाज आज दरिद्रता के अभिशाप से मुक्ति चाहता है। जो ये बताया गया है उसमें मनुष्य क्या इन सबसे क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है, अभाव के सिकंजे से छूटना चाहता है। दीपावली उसके इस संकल्प की जलती हुई दीप शिखा है। राजवंश आए और गए, बड़े बड़े समृद्धशाली नगर बने और बिगड़े, किंतु मनुष्य की यह चीर प्रतीत आकांक्षा पूरी नहीं हुई। आज भी यह देवी लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, परंतु पूजा करता है दरिद्रता की पीठ पर बैठकर। आज भी यह महाकालिका की पूजा करता है आतंक और भ्रम से कपित हृदय लेकर। कब यह पूजा सफल होगी? कब महामाया का वह प्रसन्न मुख प्रकट होगा जिसे देखकर मनुष्य अभाव की मार से बच सकेगा? कब उनका वह रुद्र रूप दिखाई देगा जिसे वह भय और आतंक को ध्वस्त होते देखेगा? तो बेटा, आज चैप्टर नंबर हमारा 14 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट होता है। और इससे संबंधित जो प्रश्न मैं दूंगी वो दूंगी, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर टू का आपको घा करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव का खा और घा करना है आपको बुक में ही। और क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये है वाक्य प्रयोग करना है आपको, ये पूरे ही करने हैं। किसमें करने हैं? बुक में करने हैं, और विलोम शब्द करने हैं। जितना काम मैंने आपको दिया गया है साफ सुथरा आपको अपनी बुक में करना है। और जो हमारा पार्ट नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 चल रहा है वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 3। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है।